गाजीपुर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग हो रही है। 6 अजला की 22 असेंबली सीटों पर वोटर्स वोट डाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 92 उम्मीदवारों के मुस्तकबिल आज तय हो जाएगा। आज थोबल, उखरुल, चंदेल, टेंगनोपोल, सेनापति और जिरीबाम जिले की 22 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 1247 वोटिंग मराकज कायम किए गए हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, और जिसमें अकेले थोबल जिले में 395 मराकज शामिल है। यानी सबसे ज्यादा जो वोटिंग बूथ बनाए गए हैं वो हमने आपको बताया कि थोबल जिले में है, जहां पर 395 वोटिंग मराकज बनाए गए हैं। इनमें से 71 वोटिंग मराकज पर खवातीन तैनात की गई हैं। बता दें कि 22 सीटों पर कुल 92 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 2 खवातीन शामिल हैं। और दूसरे मरहले में मैदान में उतरे कुछ उम्मीदवारों में 3 बार वजीर आला रह चुके ओ इबोबी सिंह और साबिक नायब वजीर आला खैक गम गंग में ही शामिल हैं। दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। गैरतलब है कि 28 फरवरी को मगरबी इम्फाल, मशरकी इम्फाल और इन सब जगह जिलों में 38 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे और वोटिंग हुई थी। In the last assembly election, that is 2017, around 8 and 9 we can secure. Yes, but this time, out of this 10, we will definitely secure minimum 9 out of this 10 assembly segments. You are very confident, sir? Yes, I have full confidence. तो लगातार वोटिंग का अमल जारी है। शाम 4 बजे तक आज मणिपुर में वोटिंग होनी है। दूसरे मरहले के तहत ये वोटिंग की जा रही है। 2 मरहलों में मणिपुर के इंतखाबात होने थे और वहीं 10 मार्च को नतायज का ऐलान होगा। जितने भी स्टेट्स में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं उन सभी का 10 मार्च को नतायज का ऐलान होना। वहीं आज हम आपको दिखा रहे हैं कि मणिपुर में दूसरे मरहले के तहत किस तरीके से वोटिंग का अमल जारी है। तमाम तर मराकज बनाए गए हैं और आपको बता दें कि 6 जिला की 22 असेंबली सीटों पर वोटिंग की जा रही है। किस तरीके से वोटर्स का रद्द अमल है और किस तरीके की तादाद वोटिंग के लिए निकल रही है वो भी हम आपको बताएंगे, नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे। वहीं इस मरहले में 92 उम्मीदवारों का जो मुस्तकबिल है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। अगर नजर डाले तो किन किन 6 अजला में वोटिंग हो रही है वो आपको बता देते हैं। थोबल जिले में वोटिंग हो रही है, उखरुल में वोटिंग हो रही है, चंदेल, टेक्नोपाल में वोटिंग हो रही है, सेनापति और जिरीबाम जिले में वोटिंग हो रही है। तो हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन, किस तरीके का रद्द अमल इस वक्त वोटिंग मराकज पर सामने आ रहा है बताइएगा। आज जो मणिपुर का जो आखिरी और दूसरे चरण का जो मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच में शुरू हो गया है। और ये जो आपका आज जो चरण का जो चुनाव है उसमें जो थोबल, उखरुल, टेक्नोपाल, सेनापति और जिरीबाम ये जो इलाके जो जिसमें चुनाव हो रहे हैं वो बहुत खास इलाके हैं, इसीलिए कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव का प्रक्रिया चल रही है। तब भी अभी कुछ देर पहले जो एक घटना सामने आई है, कुछ हिंसात्मक घटना इलाकों में हो रही है। तो देखा जाए तो जो सुरक्षा तो कड़ी कर रही है, उसके बीच भी कई दो एक हिंसात्मक घटना घट रही है। देखा जाए तो आज जो एक्स जो सीएम है अकरम इबीबी और बीरेन सिंह जो सरकार के वहां के सरकार के तरफ से भी 2 जो आपका मंत्री है उनका भी दाव में है आज जो चुनाव का चल रहा है। और इसमें 92 जो कैंडिडेट है उसमें से 2 महिलाएं कैंडिडेट चुनाव में लड़ रहे हैं। शरीफुद्दीन, ये बताइएगा वहां के मकामी लोगों के इस इलेक्शन में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वो नजर में रखकर वोटिंग के लिए जा रहे हैं? खास तौर से तो आपका जो वहाँ के लोकल पीपल है, मणिपुर के जो लोकल पीपल है, वहाँ का खास मुद्दा है डेवलपमेंट को लेकर वो लोग बहुत जो
लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लोग बहुत नाराजगी व्यक्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो लोग गुवाहाटी के तरफ, असम के तरफ आना पड़ता है मणिपुर से। तो जी ऐसे वो लोग जैसे बड़े हॉस्पिटल्स जैसे वहाँ पे नहीं है, तो वो सब मुद्दे लेकर और डेवलपमेंट, और बहुत सारे डेवलपमेंट है उनलैंड के, जैसे कि जो पहाड़ी इलाका है मणिपुर में उसमें पानी का प्रॉब्लम होता है, और बहुत जी खास तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। वो डेवलपमेंट को लेकर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग आपका इस बार मतदान करेंगे। जैसे कि देखा जाए तो खास तौर से कांग्रेस बिल्कुल और भाजपा शरीफुद्दीन, के बीच लगातार कड़ी टक्कर वोटिंग होगी। का अमल जारी है और 92 उम्मीदवारों की जो किस्मत का फैसला है वो आज ईवीएम में भी कैद हो जाएगा। शरीफुद्दीन, हमसे बात करने के लिए बेहद